नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार सैनी आज आपको रिफॉक्सिजिन एम सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सिरप क्या काम में आती है, किस कंडीशन में दी जाती है, इसकी डोज क्या है, कौन सी कंपनी की है, क्या कंपोजिशन इसमें मिला हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसके बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे वीडियो आती है आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए वीडियो पूरा और वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको रिफॉक्सिजिन एम सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यह है मेडले फार्मास्यूटिकल कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर एमआरपी की बात करें तो यह 150 रुपये का पर 60 ml की बोतल है, यानी 150 रुपये की 60 ml की बोतल आपको मिलेगी। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो कंपोजिशन मिले हुए हैं, रिफॉक्सिजिन मीन 100 mg और मेटिंडाजोल 200 mg पर 5 ml सिरप में इसमें मिला हुआ है। इस कॉम्बिनेशन की यह रिफॉक्सिजिन एम सिरप है जो फर्स्ट टाइम इंडिया है, यानी इससे पहले किसी भी कंपनी ने यह सिरप नहीं बनाई जो इस कॉम्बिनेशन में है। इसी के साथ में टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, मैंगो मिंट फ्लेवर इसमें मिला हुआ है, जो बहुत ही शानदार, जो बच्चों को पसंद आने वाला टेस्ट है। बात करें अगर इसकी यूज की कि यह क्या काम में आता है, तो वह भी हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, यह एक्यूट डायरिया, अगर किसी पेशेंट में एक्यूट दस्त होते हैं, इमीडिएट दस्त हो जाते हैं, यानी जल्दी ही दस्त होते हैं, और मिक्स्ड जीआई इन्फेक्शन में यह दिए जाती है। दस्त कैसा भी हो, रिफॉक्सिजिन एम सिरप देने से ठीक हो जाता है। और इसी के साथ में अगर किसी पेशेंट को आईबीएस विथ डायरिया हो, मतलब इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है डायरिया के साथ में, उसमें भी यह शानदार रिजल्ट देता है। और अगर आईबीडी विथ डायरिया हो, यानी इंफ्लेमेटरी बोवल डिजीज विथ डायरिया अगर किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को हो, तो वह भी रिफॉक्सिजिन एम सिरप अपने बच्चों को दे सकते हैं। यह सिरप आप 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं दें, यह डॉक्टर द्वारा सुझाया गया है, डॉक्टर द्वारा इसे बताया गया है। इसकी स्टडी में भी यह दिया गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को यह नहीं दिया जाता है, यह 2 साल से ज़्यादा के बच्चों को ही, 2 साल जिसकी उम्र हो चुकी है उन बच्चों को ही यह दिया जाना चाहिए। 2.5 ml 2 टाइम 2 साल से ऊपर के बच्चों को, 2 साल या 2 साल से ऊपर के बच्चों को 2.5 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। और अगर बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसे 5 ml 2 टाइम सुबह और शाम यह सिरप दी जाती है। 12 साल से ऊपर के बच्चों को या 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को 7.5 ml 2 टाइम दी जाती है। इसकी डोज 5 दिन तक लेनी होती है, जिससे बच्चों को सही तरीके से कम्प्लीटली दस्त ठीक हो सके। अगर बात करें साइड इफेक्ट की, जो कुछ टेम्पलेटली साइड इफेक्ट है जो कुछ ही पेशेंट को देखने को मिले हैं, वह भी हम आपको बता दें। फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट को यह लेने से नोजिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें देखने को मिली है, स्टोमक पेन जैसी शिकायतें भी कुछ बच्चों को यह सिरप लेने से, रिफॉक्सिजिन एम सिरप लेने से हो सकती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा और जिससे इसी तरह की मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहेगी। चैनल पर और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो कैसे लगते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।